वर्मा जी आप 100 पहले से किए थे। जितेंद्र जी आप थोड़ा सा बस रुकिएगा जी। वर्मा जी आप अनम्यूट हो जाइए सर। जी 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 नमस्कार जी। एक प्रमोशन था सर मैंगो मैन का, आलोक गौड़ जी। मैंगो मैन आलोक गौड़ 367 नंबर पे है। 367 मैंगो मैन ना जी जी। अच्छा मैंगो मैन बैनर आ गया था ना जी, आ गया था। 367 नंबर पे मैंगो मैन। आलोक गौर जी आपको सर मैंगो मैन बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, और साथ में अजय विश्वकर्मा जी है, हरदेव वर्मा जी है, राजीव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो मैन बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन, जोरदार बधाई हो जाए। आलोक गौर जी जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जलवा का आपको बहुत बहुत बधाई, लखनऊ मनोज कुशवाहा की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बधाई मिले आपको कमेटी की तरफ से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, आगे बढ़ें। बधाई के देने के लिए जी वर्मा जी स्टिकिंग सर पहुंच गए, डॉक्टर साहब ने भेज दिया अभी तक 83 एड्रेस पे 1,33,000। जी राजू जी आप सर होस्ट हैं सर जी। वर्मा जी आलोक जी हैं क्या जी सर? है जुन पे हैं सर, उनको अनम्यूट कर दिए आलोक गौर जी। जी आलोक गौर जी आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए आप जी। आलोक गौर जी मैंगो मैन 367 नंबर 367 आलोक जी वीडियो में भी हैं। राजीव जी अजय सर को उठाइए सर है जी। आलोक जी सर मैंगो मैन बनने के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप अपना जी सर आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा सा स्पीकर बढ़ा दीजिए सर। उस मोबाइल वो आप स्पीकर पे आइए, मोबाइल गाड़ी से बात मत करिए, बात स्पीकर गाड़ी वाले से बात नहीं होता है। नहीं मोबाइल से स्पीकर नहीं हो रहा, गाड़ी से स्पीकर आ रहा है। अच्छा जी 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 ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो मैन बनने के लिए सर। जी बिल्कुल आप वही से बात कर रहे हैं, बहुत दूर से बात कर रहा है। लखनऊ में है लेकिन दुबई से बात कर रहे हैं। इंडिया में आके बात करिए, इंडिया में आके सर बताइए सर आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस, हम लोग के साथ आप कब से हैं या फिर क्रिप्टो में कब से हैं? जी जी सर आलोक सर को दूसरे मोबाइल नंबर से इनको बुला दिया गया आपकी, तब तक मैं आपकी वार्ता में बता दे रहा हूँ। इंडिया में पहुंचिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है लोग जी। जी बिल्कुल बताइए अजय, अजय जी बताइए सर आप। सर बहुत बहुत बधाई अजय जी आपको, सबसे पहले तो आलोक जी को मैंगो मैन बनाने के लिए, दूसरा ये है कि आपको जो है हर घर गाना बनाने के लिए बहुत खूबसूरत सॉन्ग है आपका, मैंने पूरा सुना, जबरदस्त। आपने पूरा सुन लिया सर, अच्छा है, अच्छा मतलब अच्छा है इसलिए आपने पूरा सुन लिया। नहीं मैंने पूरा सुना भाई, आप आपका एनर्जी
बहुत ही जबरदस्त है। सब लोग एडिटिंग साथ लगे हुए हैं सर जी। सर ये भी है कि जितना आप मुस्कुराते हैं उससे बढ़िया काम है। सर मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, गाना बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई, और इसके साथ सबसे ज्यादा बधाई तो अपनी कंजूस कम्युनिटी के लिए जो लाइक शेयर नहीं देती। अपनी अपनी कंजूस कम्युनिटी है, कंजूस कम्युनिटी है जो सुनने के बाद लाइक शेयर मतलब अंगूठा ही दबाना है और एक कमेंट दे देना भाई को कि बहुत अच्छा गा रहे हो, इसके आगे आगे गाने बनाते रहो, इसके लिए अपने कंजूस कम्युनिटी को भी बहुत बहुत बधाई, इससे ज्यादा बधाई लाइक शेयर के लिए। जी राजू जी जी अजय जी बताइए सर। सर ये आलोक भी एसबीजी के साथ शुरू से ही लगे हुए हैं, जिनसे हमारी मुलाकात एक भैया हैं जो हम हमारे कंप्यूटर वगैरह बनाते थे उनके साथ हुई थी, वो आज वो भी एसबीजी में थे लेकिन वो आज साथ में नहीं है और आलोक भैया साथ में हैं, तो ये बड़ा नेटवर्किंग से चिढ़ते थे, इससे पहले कभी कोई काम किए नहीं थे, फिर ये हमारे साथ आए और तब से आज तक ये लगे हुए हैं। हमारे साथ दो आलोक हैं, एक ये आलोक, उनको मैं आलोक कंप्यूटर बोलता हूँ, और एक आलोक सिंगर साहब, ये दोनों जबरदस्त पर्सनालिटी है, कोई मेरी बात टालते नहीं है, जो मैं कह देता हूँ सर तुरंत कर लेते हैं। देखिए आप इतने चॉकलेटी हैं कि आपकी बात कोई टाल नहीं सकता। सही आवाज आ रही है सर, क्लियर? हाँ जी हाँ जी आ रही जी। आलोक जी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो मैन बनने के लिए। हाँ सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका भी। और एक्चुअली मैं आपसे अभी बता रहा था कि मैं एसबीजी आने से पहले अजय भाई ने मेरे को प्लान किया था, तो मेरे को एक्चुअली ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है कि पैसा लग के पैसा आता है नॉर्मली, तो उसके पहले मैंने एक्चुअली एक क्रिप्टो ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ पे बहुत अर्निंग फास्ट आ रही थी जी जी। तो मैंने लगभग 3.5 लाख रुपए का वहाँ पे एक हफ्ते में लॉस किया था, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने बीजी ज्वाइन किया था जी जी जी। और मेरे को नेटवर्किंग के लिए मैं कभी किसी को मैं ज्वाइन नहीं करता था, मेरे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसमें आया, फिर चीजें हुई अच्छी हुई और बढ़िया चल भी रही थी, तो अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि एसबीजे का कुछ आपका रिकवर हुआ था कि नहीं, आपका रिकवर हुआ था कि नहीं? नहीं अभी तो सर मैं बहुत लॉस में चल रहा हूँ। अभी मेरे ऊपर लगभग 45 लाख की लायबिलिटी है। अच्छा, आलोक भैया तीन भाई है लोग, इन्होंने अपने दोनों भाइयों की बना दिया है और खुद भी ये मैंगो मैन हुए हैं। चलिए सर, देखिए आलोक जी क्या है ना, ये रियलिटी है, सच्चाई यही है कि वो जो लायबिलिटी होती है ना वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक मौका जरूर ऐसा लाइफ में आता है जब वो सब का सब खत्म हो जाती है। लेकिन सर एक चीज है, आप बताइए, आप कंटिन्यू बताइए सर पहले। क्योंकि हम पीछा करते हैं ना हमेशा, पीछा करते हैं, तो पीछा करने के चक्कर में जो है थोड़ा मोड़ा नुकसान हो जाता है, एक मौका जरूर मिलता है, पीछा करते रहने से एक मौका जरूर मिलता है जब पूरी की पूरी रिकवरी होती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। छोड़ देने से क्या है कि हम तो लायबिलिटी में हैं। सही बात है, सही बात है जी। और ये हालांकि एसबीजी पहले बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में भी आई, लेकिन ये है कि हम अजय भाई हमेशा बात करते रहते थे, मतलब एक जो ट्रस्ट होता ना वो ट्रस्ट हमेशा रहा कि एसबीजी ने, मतलब यहाँ से हम लोगों को कभी कोई लॉस या मतलब कभी निराशा नहीं हम लोगों को हाथ लगेगी, और वो आज बातें चीजें सही भी साबित हो रही हैं, और जिसको नहीं भी है मतलब इसको आज भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वो मतलब कर ले ज्यादा बेटर नहीं करेगा, तो उसको आने वाले समय में वो पछताएगा, जो जितनी जल्दी विश्वास कर लेगा वो उतनी जल्दी फायदे में रहेगा, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट होते हैं तो आपकी जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, गुड फील होता है, गुड फील होता है, सारी चीजें अच्छी रहती हैं। और एक चीज मैंने और देखी है कि आप लाइफ में निराश लोग मिले हैं। अच्छा एक चीज और मैंने सर आपने एक चीज और देखी है कि बंदा मतलब कोई भी हर लेकिन साथ कमाने के तरीके बताता है लेकिन सिखाता कभी कोई नहीं है, आप साथ में सिखाते हो, ये दर्शाता है कि आप सही हो सर, आप गलत नहीं हो, ये इंसान जो सही हो समझेगा। रियलिटी सबको पता चलनी चाहिए, नेचुरल जो बिजनेस का नेचर होता है वो पता चलना चाहिए, बिजनेस का नेचर पता रहेगा तो आप हमेशा बने रहेंगे, नेचर नहीं पता रहेगा डिपेंड रहेंगे ना तो आप सिर्फ क्या है ना, जब कमाएंगे लोग जब कमाते हैं ना तो बोलते हैं मैंने कमाया,
और जब चला जाता है लोग बोलते हैं कि किसी और की वजह से चला गया, तब जब लोग डिपेंड रहते हैं, जब लोग मार्केट को जानेंगे सीखेंगे ना, तो फिर ये ब्लेम नहीं रहेगा, और ब्लेम नहीं रहेगा तो साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो बड़ा करेंगे, क्योंकि सही बात है। दूसरी चीज क्या सर, एक चीज और है, आप बोले थे सर। अरे सर, जब चीजें डिस्टर्ब हुई थी तो सब लोग डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन आप डेली जूम पे आते थे तो हम लोगों का भी नहीं था कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं होगा, हम लोगों के दिल में बस ये था कि हमारा राजा ईमानदार है, फिर हम लगे रहे, हम लोग छोड़े नहीं, हम लोग साथ में है, हमने कहा आलो भाई चलिए लगते हैं हम लोग किराना। तो वही जो लोग आते रहे ना, उनकी वजह से वो मैंने एक स्लोगन एक लाइन बोला था, बड़ा सही लाइन है, लाइन मान लीजिए बहुत बोली गई है कि जिनके पास जो होता है ना वो वही बचाते हैं मुश्किल दौर में। जैसे जब आपके साथ मुश्किल आएगा तो आप अगर मान लीजिए भागेंगे तो आपके हाथ में जो रहेगा ना वही लेके भागेंगे ना। सही बात है। तो जब जब चीजें डिस्टर्ब हुई थी तो तकरीबन 20 दिन बाद मैंने राजीव सर को फोन किया, तो राजीव सर कह रहे हैं अजय जी आपने फोन करके कुछ नहीं कहा, हमने कहा सर सब लोग तो आपको सुना ही रहे हैं, हम भी उसी में शामिल हो जाए, हम भी सुना है। आप देखिए, आप मेरे साथ इस सिस्टम में नहीं थे, इस सिस्टम के पहले लगभग 5-6 साल से आप मेरे साथ थे, बिजनेस में नहीं थे लेकिन कम्युनिकेशन में थे, संबंध में थे, संपर्क में थे, हरदेव वर्मा जी की वजह से। तो आप पीछे से जो समझ रहे थे, जान रहे थे, उसकी वजह से आपको भरोसा था और आप इसलिए सुना नहीं रहे थे बल्कि साथ दे रहे थे, और यही तो आज तो बहुत से लोग, आज तो हजारों लोग हो गए हैं जो ये जानते हैं कि हम लोग हार मानने वाले नहीं है, पीछे जाने वालों में से नहीं है, मुश्किलें दिक्कतें परेशानियां समस्याएं ये सब आएंगी और देखना ये है कि वो हमको हराती हैं या हम उनको हराते हैं, बस ठीक है। और एक चीज सर, और एक रहता है मार्केट में रहता है और जो मार्केट में जिसको लोग सामने पाएंगे उसी को सुनाएंगे ना, वही वही चीज है। हम और अजय एक बार बीच में बात कर रहे थे, हमने कहा देखिए इतना लोग मार के चले गए, उनको कोई नहीं कहता, और जो जो पर्सन सामने है रोज जूम पे आता है सारी चीज उसको सब लोग कहते हैं, मतलब क्या है, मतलब मेंटालिटी क्या हो गई है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की थिंकिंग थोड़ा सा सोचना चाहिए, जानते हैं जो देता है ना आदमी उसी से निकालता है, जो जो वृक्ष फलदार होता है लोग उसी पर डंडा मारते हैं। जी सर, ये वही चीज, ये ह्यूमन नेचर है। तो खैर कोई नहीं, ये तो जो ठाना गया है उसके लिए तो खड़े रहना है, चाहे कोई कितना डंडा मारे। राजीव सर को जब भी हम लोग फोन करते थे, एनी टाइम जब भी रात हो दिन हो, राजीव सर सदैव मतलब ये नहीं रहा कि मतलब फोन कर रहे हो, एक बार फोन उठाते हैं सर। निर्णय खुद से लिया गया ना, किसी के कहने या किसी जोर से किसी लालच से नहीं लिया गया, खुद से लिया गया है, तो इसलिए खुद के निर्णय। जो आदमी जीवित अच्छाई और बुराई उसके सामने जो है बुराई ज्यादा होती है, अच्छाई कम आती है, लेकिन जो आदमी मर जाता है ना तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, अरे यार बहुत बड़ा अच्छा आदमी था, जीते जी कोई नहीं करता, मरने के बाद सब रहते हैं, समझिए कि वो जो जीता है फिर सामने होगा वो आलोचनाओं का शिकार होगा, जो नहीं होगा उसको लोग पूछने वाले नहीं है, दो चार दिन बात करके लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग आए जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, जोर रहता है, जो जिम्मेदारी लेके चलता है उसी को लोग और जिम्मेदारी देते हैं, और कोई नहीं, सब कुछ हाल इज वेल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, आलोक जी आपको लेना है, सर और लोगों को ले लीजिए सर, तब खत्म कर। अच्छा बताइए सर, बताइए। तो तब तक